फांसी देगी, बस सरकार हम लोग साथ छलावा करती है, इस तरह से कह कर जब चुनाव बीत जाता है सारा काम खत्म हो जाता है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग मांग ये है कि या तो हम लोग को शासकीय कर्मचारी बनाए और नहीं तो कम से कम जीने लायक मानदेय 20,000 दे। अच्छा जी, चलिए नाम बताएं अपना। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सिंधुगिरी, ब्लॉक के अध्यक्ष पिंडरा। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि 100 बातों में एक बात बस उनको कहना चाहती हूँ कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यशोदा माँ के माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को उपाधि दिए हैं, मैं उनकी सम्मान करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की भी मैं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनकी सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी एक ही बात उनसे है कि हम लोगों के पास ही बच्चे हैं, हम लोगों के पास भी लड़के हैं, पढ़ाना लिखाना खाना पीना, हम लोग उनसे हमारी यही आग्रह है कि हम लोगों का जीने खाने लायक मानदेय बढ़ाएं, कम से कम 20,000 कम से कम दे, अन्यथा इसका परिणाम गलत होगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, 100 बात की एक बात तो करना चाहती हूँ। चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा सर, इसके इफेक्ट पड़ेगा चुनाव से पहले। मैं उनको आग्रह, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें, अब ये अपडेट पूरा देखें। करती हूँ कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, जो हमारी सुनेगी हम समस्त आंगनबाड़ी उनकी सुनेंगे। किसी बात में आ जाए, आप भी क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर ये लोग आए हैं यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने मांग किया है अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 6,000 रुपया महीना, सहायिकाओं को 3,000 रुपया महीना दे करके आप काम कराते हैं, काम के बदले जो मेहनताना मजदूरी देते हैं उससे इनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता। आप यह भी नहीं तय कर पाते हैं कि आंगनबाड़ी श्रमिक की श्रेणी में आती है या मजदूर की श्रेणी में आती हैं या राज्य की कर्मचारी हैं या मानदेय की हैं, मनमाना सब कुछ चल रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने देश और प्रदेश पूर्व संध्या पर देश और प्रदेश सरकार से मांग करने आए हैं, इनका श्रेणी निर्धारित करें कि राज्य की कर्मचारी हैं या श्रमिक के कर्मचारी हैं, जो भी आप निर्धारित करते हैं उस आधार पर इनको मानदेय और सरकारी कर्मचारियों के दे जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ देते हुए शासकीय कर्मचारी घोषित करें। जी, अपना परिचय बता दें। जी, मैं बीएल मोर यूपी स्टेट आंगनबाड़ी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय संरक्षक और जिला अध्यक्ष वाराणसी हूँ। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी की पूर्व संध्या पर तमाम जो कार्यकर्ती जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चलिए इनसे कुछ और लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अभी और क्या मांगे रह गई आप लोगों की? हमारे साथ